नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योग चरण न्यूज चैनल के अंदर। दोस्तों आज है मंगलवार 20 अगस्त और आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और हम ले आए हैं आपके लिए आज की 15 सबसे बड़ी खबरें। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो भी कर लें, जिससे हम कभी भी नई वीडियो लेकर आए तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो के साथ। तो शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकी हमले में सीआरपीएफ इंस्पेक्टर शहीद। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में सोमवार 19 अगस्त 2024 को गश्ती दल पर आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी में सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि बसंतगढ़ के दूदू पुलिस स्टेशन में अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सुदूरचिली इलाके के दोपहर के 3:30 बजे आतंकवादियों ने स्थानीय पुलिस के विशेषज्ञ अभियान समूह SOG के साथ साथ सीआरपीएफ बल पर गोलीबारी की। उन्होंने बताया कि 187वीं बटालियन की जी कंपनी से जुड़े केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के इंस्पेक्टर कुलदीप की गोली लगने के कारण अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई। बढ़ते अगली खबर की तरफ। केंद्र ने 3 तलाक के खिलाफ कानून का बचाव करते हुए कहा कि यह मुसलमान महिलाओं के परित्याग को वैध बनाता है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक के अपराध को घोषित करने वाले केंद्रीय कानून को उचित ठहराया है और कहा है कि प्रथा पत्नियों द्वारा अपने पतियों को छोड़ने की प्रथा को वैध और संस्थागत बनाती है और यह ना तो इस्लामी है और ना ही कानूनी है। केंद्र द्वारा न्यायालय में दाखिल 433 पन्नों की जवाबी हलफनामे में न्यायालय को शायरा बानो मामले में 2017 के अपने ही संविधान पीठ के फैसले को याद दिलाया गया, जिसमें 3 तलाक या तत्काल तलाक, तलाक बिद्दत के नाम से भी जिसको जाना जाता है, को स्पष्ट रूप से मनमाना बताया गया था। बढ़ते अगली खबर की तरफ। तो विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि भारत यूक्रेन में संघर्ष को सुलझाने के लिए कूटनीति और बातचीत की वकालत कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कीव यात्रा से कुछ दिन पहले भारत ने सोमवार 19 अगस्त 2024 को कहा कि वह यूक्रेन में संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने में योगदान देने के लिए तैयार है। श्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बातचीत करने के लिए यूक्रेन की राजधानी का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय सचिव तन्मय लाल ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि भारत हमेशा से यूक्रेन के संघर्ष को हल करने के लिए कूटनीति और बातचीत की वकालत करता रहा है। बढ़ने अगली खबर की तरफ। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने कोलकाता पुलिस के नोटिस को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने सोमवार 19 अगस्त 2024 को कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें RGKR मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले पर उनका सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में पुलिस द्वारा उन्हें भेजे गए नोटिस को चुनौती देने का प्रावधान किया गया। कोलकाता पुलिस ने रविवार 18 अगस्त 2024 को दिग्गज नेता को नोटिस दिया था, जिसमें उन्हें अपने सामने पेश होने के लिए कहा गया था। न्यायमूर्ति राजश्री भारद्वाज ने श्री रॉय के वकील को नोटिस चुनौती देने वाली याचिका दायर करने की अनुमति भी दे दी। अदालत ने कहा कि वह मंगलवार 20 अगस्त 2024 को याचिका पर सुनवाई करेगी। बढ़ते अगली खबर की तरफ। वायनाड भूसंकलन में बैंक द्वारा बचे लोगों के खातों में EMI कटने पर विवाद। केरल ग्रामीण बैंक द्वारा चूरमाला भूसंकलन में पीड़ित लोगों के खातों से ऋण के मासिक किस्त कटने के निर्णय ने विवाद को जन्म दे दिया है। केरल सरकार द्वारा पीड़ितों के खातों में वित्तीय सहायता जमा कराने के बाद उनकी यह राशि काटी गई। यह कदम सरकार द्वारा बैंकों को भूसंकलन पीड़ितों से ऋण चुकाने पर जोर न देने की सिफारिश के विरुद्ध है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने गिग वर्कर्स की दुर्दशा को उजागर किया और हाल ही में उबर कैब में अपनी सवारी का वीडियो पोस्ट किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार 19 अगस्त 2024 को गिग वर्कर्स की दुर्दशा पर प्रकाश डाला और कहा कि राज्यों में कांग्रेस सरकारें उनकी समस्याओं को हल करने के लिए ठोस नीतियां बनाएंगी, जबकि भारत ब्लॉक उनके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। राहुल गांधी ने एक्स पर टिप्पणी करी कि जहां उन्होंने हाल ही में उबर कैब में अपनी सवारी और ड्राइवर के साथ हुई बातचीत का एक वीडियो भी पोस्ट किया। बढ़ते अगली खबर की तरफ। दलित OBC आदिवासियों की लेटर एंट्री पर हमला कर रही है केंद्र सरकार, ऐसा राहुल गांधी ने अपने नए बयान में कहा है। लेटरल एंट्री के मुद्दे पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कांग्रेस ने सोमवार 19 अगस्त 2024 को भाजपा पर आरक्षण छीनने और SC ST OBC और EWS के निर्धारित पदों को RSS के लोगों को सौंपने का आरोप लगाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि उनकी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने कुछ क्षेत्र में विशिष्ट पदों का चुनिंदा विशेषज्ञों और विशेषज्ञों को उनकी उपयोगिता अनुसार नियुक्त करने की लेटरल एंट्री लाई थी, लेकिन मोदी सरकार ने दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के अधिकार को छीनने के लिए इसका प्रावधान किया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। यूक्रेन के गोले हमले में रूसी सैन्य समूह का हिस्सा रहे केरल के व्यक्ति की मौत। केरल के त्रिशूर जिले के कल्लूर के नायरगंडी के 36 वर्षीय संदीप चंद्रन की यूक्रेन में रूसी सैन्य समूह के साथ सेवा करते समय
गोलीबारी में मौत हो गई। हालांकि उनकी मौत की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। उनके परिवार को दी गई जानकारी के अनुसार संदीप सहित 12 सदस्यीय रूसी सैन्य गश्ती दल रूसी सीमा पर यूक्रेन की गोलीबारी में मारा गया। शवों को अस्पताल ले जाया गया और बताया गया कि रूसी मलयाली एसोसिएशन के सदस्यों ने संदीप के शव की पहचान की। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आएं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप तक वो महत्वपूर्ण जानकारियां हम पहुंचा पाएं। और इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं अपनी अगली खबर के ऊपर। यूपी के अस्पताल में डॉक्टर ने दलित नर्स के साथ किया बलात्कार और 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने सोमवार 19 अगस्त 2024 को बताया कि एक दलित नर्स के साथ एक निजी अस्पताल में बंधक बनाकर डॉक्टर ने कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार घटना रविवार 18 अगस्त 2024 की आधी रात के आसपास हुई थी। पुलिस अध्यक्ष संदीप कुमार मीना ने बताया कि मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में एनसी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वो अनुच्छेद 370 को बहाल करेंगे, साथ साथ 12 और गारंटियां भी दी हैं। अनुच्छेद 370 की बहाली और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा तथा वर्ष 2000 में तत्कालीन विधानसभा द्वारा पारित स्वायत्तता प्रस्ताव का क्रियान्वयन नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगामी चुनावों के लिए अपने घोषणा पत्र में कहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो गाजा में सहायता समूह का लक्ष्य टीकाकरण में वृद्धि करके पोलियो को प्रकोप रोकने का है। गाजा पट्टी में पोलियो का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण सहायता समूहों ने युद्ध को तत्काल रोकने का आह्वान किया है, ताकि वे टीकाकरण की रफ्तार को और तेजी से बढ़ा सके। पोलियो की एक मामले की पुष्टि हो चुकी है, अन्य संदिग्ध और जुलाई में 6 अलग अलग स्थानों पर अपशिष्ट जल में वायरस को पाया गया था। सहायता समूहों का कहना है कि गाजा में 25 साल पहले पोलियो को अनमून कर दिया गया था, लेकिन 10 महीने पहले युद्ध शुरू होने के बाद टीकाकरण में गिरावट आ गई और क्षेत्र वायरस के प्रजनन का स्थल बन गया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। रूस में जेल में बंद अमेरिकी सैनिक ने सजा के खिलाफ अपील खो दी, IRA की नई रिपोर्ट। IRA एजेंसी ने बताया कि एक अमेरिकी सैनिक को जून में अपनी प्रेमिका से $113 चुराने के बाद उसको जान से मारने की धमकी देने पर और उसके बाद रूसी दंड कॉलोनी में लगभग 4 साल की सजा सुनाई गई थी। बढ़ते अगली खबर की तरफ। मछली व्यापारी की मौत के मामले में अब 10 बांग्लादेशी प्रधानमंत्री हसीना के खिलाफ नया हत्या का मामला दर्ज। बांग्लादेश की अब 10 प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके मंत्रिमंडल के पूर्व मंत्रियों सहित 62 अन्य लोगों के खिलाफ देश में कोटा सुधार विरोध प्रदर्शन के दौरान एक नए मछली व्यापारी के मौत के मामले में नया हत्या का मामला दर्ज किया गया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। तो उदयपुर चाकूबाजी कांड के मामले के अंदर घायल हुए छात्र की 19 अगस्त की शाम को मौत हो गई। स्कूल के चाकूबाजी के मामले में गहरे रूप से घायल हुआ ये छात्र अपनी आखिरी सांसें एक अस्पताल में ले रहा था और 19 अगस्त की शाम को डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। और राजस्थान सरकार ने उस बच्चे के लिए कन्हैयालाल हत्याकांड वाला 51 लाख रुपए का मुआवजा पैकेज घोषित किया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। पैरालंपिक 2024 में भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल का कहना है कि मेरा लक्ष्य नए विश्व रिकॉर्ड के साथ साथ स्वर्ण पदक जीतना है। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल पेरिस पैरालंपिक में खेलों में पुरुषों की F64 श्रेणी में अपना खिताब बचाने के लिए अपने विश्व रिकॉर्ड के सुधार करना चाहते हैं। सुमित भाग्यश्री यादव शॉर्ट पुट F34 श्रेणी के साथ साथ 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक होने वाले पैरालंपिक खेलों में उद्घाटन समारोह में भारतीय के ध्वजवाहक होंगे। उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में 3 बार विश्व रिकॉर्ड बनाया था और 68.55 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता था। तो दोस्तों, ये थी आज की 15 सबसे बड़ी खबरें। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इनमें से किसी भी खबर के ऊपर अगर आपकी कोई भी प्रतिक्रिया है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे युग चरण न्यूज चैनल।